नमस्कार, कविता कोश में आपका हार्दिक अभिनंदन। आज आपके समक्ष हम प्रस्तुत हैं भारत के सुप्रसिद्ध साहित्यकार श्री सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की कविता के साथ। कविता का शीर्षक है, देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता। स्वर कुलदीप सिंह। यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में आग लगी हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में सो सकते हो? यदि तुम्हारे घर के एक कमरे में लाशें सड़ रही हो तो क्या तुम दूसरे कमरे में प्रार्थना कर सकते हो? यदि हाँ तो मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना है। देश कागज पर बना नक्शा नहीं होता कि एक हिस्से के फट जाने पर बाकी हिस्से उसी तरह साबुत बने रहे और नदियां, पर्वत, शहर, गांव वैसे ही अपनी अपनी जगह दिखें, अनमने रहें। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। कागज पर लिखी कोई भी इबारत फाड़ी जा सकती है और जमीन की सात परतों के भीतर गाड़ी जा सकती है। जो विवेक खड़ा हो लाशों को टेक, वो अंधा है। जो शासन चल रहा हो बंदूक की नली से, हथियारों का धंधा है। यदि तुम ये नहीं मानते तो मुझे अब एक क्षण भी तुम्हें नहीं सहना है। याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत, एक आदमी का गोलियों से चीथड़ा तन, किसी शासन का ही नहीं संपूर्ण राष्ट्र का है पतन। ऐसा खून बहकर धरती में जज्ब नहीं होता, आकाश में फहराते झंडों को काला करता है। जिस धरती पर फौजी बूटों के निशान हो और उन पर लाशें गिर रही हो, वो धरती यदि तुम्हारे खून में आग बनकर नहीं दौड़ती तो समझ लो तुम बंजर हो गए हो। तुम्हें यहां सांस लेने तक का नहीं है अधिकार। तुम्हारे लिए नहीं रहा अब यह संसार। आखिरी बात बिल्कुल साफ, किसी हत्यारे को कभी मत करो माफ, चाहे हो वह तुम्हारा यार, धर्म का ठेकेदार, चाहे लोकतंत्र का स्वनाम धन्य पहरेदार। धन्यवाद।